हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगते है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैं परवल लिए ऐसा काट के, और इसमें बीस मिर्च भी काट के लिए दोनों साइड से। देखिए दोनों साइड से ऐसे लिए, और लिए मैंने चेक दाना, नींबू फूली और दही। तो चलिए पहले हम एक बर्तन लेते हैं, इसे हम परवल को इसमें रख देते हैं। इसमें मैं दूंगी नमक और दूंगी थोड़ी सी हल्दी, तो अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे हल्दी और नमक से। तो हल्दी और नमक मिक्स करके हम एक साइड में हम रख देते, बाकी इधर का मसाला हम कर लेते। मैंने अभी मिक्सर डाल दिया, किसी में दे रही हूँ मैं मूंगफली यानी सिंगदाना। ये मैंने पहले थोड़ा भून के छिलका निकल दिए, और इसी के साथ दूंगी दो चार हरी मिर्च, मेरा मिर्च सूख गए। और इसमें दूंगी थोड़ी सी पानी, तो एक पेस्ट बना लेते। मैंने मूंगफली का एक पेस्ट बना लिया, अब इसे में ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी दही, जैसे दो चम्मच, जैसे बहुत पतला है पानी पानी हो गया, तो भी साथ में पेस्ट बना लेते हैं। तो मैं एक पेस्ट बना लिया। तो चलिए गैस के तौर परवल फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई मैंने बैठा दिया, कढ़ाई गर्म हो गया, अभी हम इसमें तेल देते हैं। तेल गर्म हो गया, अभी हम परवल को दे देते हैं। एक दो मिनट तक हम ऐसे उलट पलट के फ्राई करना है। फ्राई हो गया, अभी मैं निकाल दी। अभी मैं उसी तेल में, तेल मैंने ज़्यादा ही दे दिया, जो दोबारा मैं यूज नहीं करूँगी, तो उसमें देती हूँ थोड़ी सी हरा मसाला, लौंग, इलायची, काला मिरी और दालचीनी, तो ये दे देती हूँ। अभी मैं इसी तेल में दे देती हूँ मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर और दे दो जीरा का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर देते। अभी दे रही इसी में पेस्ट, जो पेस्ट बनाए थे हम ऐड के गैस हमारे एकदम सो गए, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम इसे में ऐड कर देते हैं थोड़े से नमक, ध्यान रखें क्योंकि हम पहले भी नमक दे दिए जब हम परवल फ्राई किया था उसी में। अभी मैं दो मिनट जैसा ये भून रहा था मसाला, तो हो गया। अब इसी में दे देते परवल, एक एक करके हम पूरा दे देते, मिक्स कर देते मसाला। अभी मैं इसमें कवर कर दूंगी, एक दो मिनट तक हम ऐसा पका लेंगे। देख लेते हैं, मैं पहले भी देखा था, आप लोग को देखा ही नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं देखा है। मैं इसी में अभी दूंगी थोड़ी सी चीनी, देखिए चीनी दे देती हूँ। फिर कवर कर देंगे, एक दो मिनट जैसे ऐसे पका लेते हूँ, कवर कर देंगे फिर से। तो इसी में मैं दे दूँ थोड़ी सी घी, अगर आपको पसंद है तो आप दे सकते हो, अगर आपको नहीं लेना है तो घी दे देती हूँ। तो हो गया रोल का रेसिपी, तो चलिए सर्व करते। हेलो फ्रेंड्स, अगर परवल का सब्जी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नया
वीडियो का साथ। ओके बाय बाय।